एचएल टीवी न्यूज। फिल्म जब तुम कहो के टीजर और ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर एक्टर प्रवीण ने और एक्ट्रेस अंबिका ने बात की और बताया कि ये एक यूथ से रिलेटेड फिल्म है। इस फिल्म में वो एक बंगाली लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं और प्रवीण इसमें 25 ईयर के ऑफिस मैन का रोल कर रहे हैं, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड डिच कर देती है और एक दिन उससे गलती से बंगाल फोन लग जाता है और दोनों फोन में ही एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते हैं। डायरेक्टर विक्रम ने बताया कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले उन्होंने विक्रम भट्ट के साथ 1920 इविल रिटर्न्स में असिस्टेंट का जॉब किया था और ये एक रोमांटिक और क्लबिंग फिल्म है। देखिए क्या है, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी की बहुत कमी हो गई है और जिन लोगों को स्टोरी देखना पसंद है, शिकेजदा की फिल्में जैसे आती थी वो अगर पसंद है तो वो फिल्में हमेशा चलेंगी और हमेशा पसंद होंगी। तो हमारी फिल्म में कहानी है, स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, कॉमन मैन की कहानी है, यूथ कनेक्टेड कहानी है। और आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि रोमांस को उसके ब्लाइंड डेट के बैकड्रॉप में रख के फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिससे कि ये स्टोरी कंटेम्प्रेरी हो जाए, आपको कहानी पुरानी ना लगे। तो बैकड्रॉप ब्लाइंड डेट का है बट इट्स अ रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, बहुत अच्छी लगेगी, मुझे मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि आपको ये कनेक्ट करेगी सीधा। फिल्म में काफ़ी क्लबिंग के भी शॉट नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, क्लब का एक गाना है जो कि नॉर्मल है, हमारी लाइफ में भी है, हम लोग भी सैटरडे नाइट मनाते हैं, हम लोग क्लब जाते हैं, ठीक उसी तरह लाइफ का एक पार्ट है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्लब के अंदर जाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने भी एक सॉन्ग रखा है उसके अंदर। नहीं नहीं, आप वही मैंने आपसे कहा कि इसमें डिफरेंसेस बहुत है, विविधताएं बहुत हैं, आपको एक्टर वही एक्टर आपको रोमांस करते नज़र आएंगे, वही एक्टर थोड़ी देर में आपको गुदगुदाएंगे। आपको देखिए क्या होता है, एक आदमी के अंदर कहा गया है बहुत खूब, किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखिए। तो एक करेक्टर के अंदर 10 और 12 करेक्टर और 20-20 करेक्टर होते हैं, वो करेक्टर टाइम के अनुसार चेंज करते हैं अपने आप को, वही इस फिल्म के का जो मेरा किरदार है उसका भी उसकी भी टाइटल की बात करें तो जब तुम कहो टाइटल। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब तुम कहो टाइटल बेसिकली आप इसे दोनों वे में ले सकते हैं। नॉर्मली आप ले लीजिए कि गर्ल ने कहा कि आई एम रेडी सो यू से जब तुम कहो। सेकंड वे ये है कि जब तुम कहो बेसिकली इट्स अप टू आवर हार्ट, कि हम जब अपने दिल से कहते हैं कि अच्छा करना है तो अच्छा करेंगे, बुरा करना है तो बुरा करते हैं। वो एक समय होता है, एक मोमेंट होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, तो इसलिए जब तुम कहो हेल्प करना पड़ा, क्या करें, मजबूरी थी क्योंकि ऑब्वियसली ये सीनियर है। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, याद है, नाव में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पानी कुछ भी नहीं था, तो मैं प्यास के लिए था, मिल जाएगा, तो ये तो तसल्ली देते रहे कि मिल जाएगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो गए थे तो खाना और पानी बाद में मिला था क्योंकि हम लोग भूल गए थे। इतनी बड़ी नदी में थे और आप कह रहे थे पानी नहीं। हाँ, गंगा नदी में थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है और वो भी कैरेक्टर बंगाली कैरेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट मूवी बंगाली कैरेक्टर किया कि क्योंकि ज़्यादातर सब कोई ना कोई और कैरेक्टर करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोशिश किया है कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है मैं 100% दे सकूँ। अब तो ऑडियंस ही बता सकते कि मैं वो जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ, हाँ या ना। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, ही इज़ अ मैनेजर इन अ मॉल। जैसे 15 साल पहले व्हेन ही वाज यंग अराउंड 19-20 इयर्स ओल्ड, तो उसका दिल टूट गया था विद दिस गर्ल हु लेफ्ट हिम टू गो फॉर अ रिच गाय, बिकॉज उसको लगा कि इसकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। सो शी लेफ्ट हिम फॉर अ रिच मैन एंड ही हैज़ बीन इन लव डिप्रेशन सिंस देन। ही डज नॉट सोशलाइज विद एनीबडी, ही डज नॉट गो आउट, सिर्फ काम से काम मतलब रखता है एंड अपने घर पे रहता है। सो हिज लाइफ इज़ क्वाइट बोरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, बट द फिल्म इज़ नॉट अबाउट दैट टाइम, द फिल्म इज़ अबाउट नाउ। ही इज़ गलती से वो इनके किरदार खुशी से बात करने लगता है फ़ोन पे, गलती से क्रॉस कनेक्शन लग जाता है और ही लाइक्स स्पीकिंग टू हर एंड अगेन दोज फीलिंग्स स्टार्ट कमिंग अप। और ये इनसे कोलकाता जाते हैं मिलने, तो मेन स्टोरी है कि कोलकाता में जब ये जाते हैं मिलने ब्लाइंड डेट पर तो क्या होता है। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।